सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है। इसका जो लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, एंड जितने भी बैकग्राउंड पेन जिसका मैं यूज़ करूँगा सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब आप सभी को करना क्या गाइस, आप लोगों को जाना ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को। एंड यहाँ पे जो है मैंने मॉडल का बैकग्राउंड पहले से इरेज कर रखा ताकि जो है कि आप लोगों का जो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और मैं आपको जो भी है मतलब फटाफट बता दूँ। तो बाकी जिसको अगर बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो वो लोग उस वीडियो को जाकर देख लेना, तो इजीली उसमें समझ आ जाएगा कि आपको बैकग्राउंड कैसे इरेज करना है। तो अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो वैसे आप लोगों को जो आपको अपने मॉडल का जो है यहाँ पे जो बस टाइप का जो चीज़ खड़ा है यहाँ पे, इसके ऊपर जो आप लोगों को अपने मॉडल को यहाँ पे खड़ा कर देना है। एंड उसके बाद इसकी ओपेसिटी कम करके ये चेक करना है कि आपका मॉडल जो है मतलब कि नीचे के एरिया से जो यहाँ से इरेज करना है, ठीक है। इरेजर टूल में जाकर हार्डनेस वगैरह फुल कर लेना है, नीचे का जो पार्ट है वो इरेज करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इरेज करेंगे, एंड यहाँ का जो पार्ट है ये जो गोल वाला हिस्सा, इसको हम यहाँ से पूरा इरेज कर लेंगे। ओके सो इतना हो जाने के बाद आप लोग फ्री करना, आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन कर देना है, एंड इसको यहाँ पे ओपेसिटी भी फुल कर देना है। फिर इसके बाद आपको अपने मॉडल का यहाँ पे डुप्लीकेट लेना है, एंड उसके बाद आप सभी को अपने मॉडल को लेकर जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन में। इफेक्ट वाले ऑप्शन में ले जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट में। ब्लैक एंड वाइट में जाने के बाद आपको जो इसका अमाउंट है इसको जीरो कर देना, एंड कर देना मर्ज। फिर इसके बाद आपको नेगेटिव वाला ऑप्शन लेना है, इसको मर्ज कर देना है। उसके बाद कलराइज में जाकर आपको इसका ह्यू प्लस कर देना है, तो बिल्कुल जो रेड कलर आएगा आपको जिसको यहाँ पर लेके जाना है। फिर इरेजर टूल में जाना है, इसको इन्वर्ट करना है, ब्रश को लेना है, ठीक है। ब्रश को लेने के बाद जो आप सभी को यहाँ पे पहले तो जो नीचे का पार्ट है उसको इरेज कर लेना है। तो उसके बाद जो ब्रश है उसको ब्रश को लेना है। उसके बाद जो आपको यहाँ पे रिम लाइट क्रिएट करनी है, मतलब कि रिम लाइट कैसे क्रिएट करनी है आपको मैं बताता हूँ। आपको इस तरीके से जो बॉडी के साइड साइड में जो एक लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब एक लाइट ड्रॉ करनी है जो कि मतलब बैकग्राउंड में जो रेड कलर का जितना भी है ना उसका जो रिफ्लेक्शन है आपकी बॉडी के ऊपर पड़ रही है दिखाने के लिए। एंड बाकी गाइस मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है रिम लाइट के ऊपर, तो अगर आप लोग चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो। उसमें मैंने काफ़ी अच्छा डिटेल में समझा रखा है कि आप लोगों को किस तरीके से यूज़ करना है इसका, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग इस वीडियो को जाकर जरूर चेकआउट करना। एंड बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि गाइस आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं हमेशा इसी टाइप का कंटेंट डालता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो बाकी मैं इसको फटाफट करता हूँ, बाकी आपको फिर मैं बताता हूँ आपको आगे करना। तो बस जब आप सभी रिम लाइट बन जाएगी तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है। यहाँ पे आप गाइस स्क्रीन भी रख सकते हो, बट गाइस मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा यहाँ पे कि आप लोगों को जो यहाँ पे ओवरले रखना है, ठीक है। इससे क्या है कि एक मतलब कि ना डार्क सा भी मतलब रेड बन जाएगा, एंड उसके बाद जो है मतलब कि परमानेंट टाइप का भी लगेगा। तो आपको जो है अगर इसकी ओपेसिटी कम लगे तो आप इसको डुप्लीकेट करके फिर दोबारा ऐड कर लेना, एंड ओपेसिटी ज़्यादा हो जाती है डुप्लीकेट करने के बाद तो थोड़ी सी ओपेसिटी आपको कम कर लेना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को जो है मतलब यहाँ पे आपको ऐड फोटो में जाना है, एंड यहाँ से जो गिटार का पीएनजी ऐड करना है, ठीक है ये वाला, एंड इसको ऐड करना है। एंड देन उसके बाद आप सभी को फिर करना है आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ जिस टाइप से जो आपको अपनी हैंड में इसको एडजस्ट करना है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मतलब कि आपको देखना है कि आपके हैंड में किस तरीके से अच्छे से आ सकता है। बाकी पोज वगैरह जो है आप सेम भी कर सकते हो, अदरवाइज़ अगर आपको कोई आपका यूनिक टाइप का कुछ करना है तो आप वो भी कर सकते हो। बाकी ओपेसिटी कम ज़्यादा करके देखते रहना, आपको पता चल जाएगा। तो बाकी हम इरेजर टूल में जाएंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे, ब्रश लेंगे, ब्रश का जो साइज़ है और ओपेसिटी सब कुछ फुल कर लेंगे, और साइज़ को जो अपने अकॉर्डिंग रख लेंगे। सो अब इसको हम पेंट करते हैं हमें जहाँ जहाँ पे चाहिए बस, ठीक है। जैसे कि हमारे हैंड वाले एरिया से तो रिमूव होना चाहिए ना ये, तो हैंड वाले एरिया से रिमूव कर देंगे, बाकी हर जगह समय से पेंट कर देंगे। तो वह सब कुछ हो जाने के बाद आप लोगों को गिटार लेना है, फिर गिटार का एक डुप्लीकेट बनाना है, उसको गैस आपको यहाँ पे लेके जाना है ऐसे इफेक्ट वाले ऑप्शन में। फिर उसके बाद यहाँ पे रिम लाइट के लिए आपको बनाना है, जो कि मैंने सेम चीज़ आपको बताई थी वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं, इसको रेड बना लेते हैं पहले, परफेक्ट है, इसको डन कर लेते हैं। अब गैस देखिए रिम लाइट की तरफ आपको कैसे बनाना है, आपको यहाँ पे इरेजर टूल में जाना है, पहले सब कुछ इरेज कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रश लेना है, ब्रश का जो साइज़ है हम यहाँ पर कुछ इतना रखेंगे,
एंड जो हार्डनेस ओपेसिटी इतना इतना रख लेंगे। फिर उसके बाद हमें रिम लाइट बनानी है इसके ऊपर, गिटार के ऊपर भी, तो हम यहाँ से ऐसे पेंट करेंगे। एंड यहाँ पे भी हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे पेंट करेंगे और थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं और यहाँ पे भी, ठीक है। तो मतलब आपको जहाँ जहाँ पे चाहिए आप वहाँ पे पेंट कर लेना, अदरवाइज़ आप फिर उसको आपका आपको जो करना गया है आपको कर देना डन। अब इसमें ब्लेंडिंग मोड आप चेंज कर सकते हो, बट मेरे को बिना ब्लेंडिंग मोड के भी ऐसे भी ठीक लग रहा है, तो मैं इसको भी डन कर लेता हूँ फिलहाल। सो इतना हो जाने के बाद आपको फिर जाना क्लोन टूल में। क्लोन टूल में जाने के बाद आप सभी कहाँ पे फोटो को जूम करना, जैसे जैसे कि हमारा जो मॉडल है इसने स्टैंड का पीएनजी स्टैंड पकड़ रखा था, तो इसको रिमूव करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमें बैकग्राउंड में नहीं चाहिए। और गाइस मैंने इसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो इसको भी अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अभी इतना हमारा काम हो चुका है, तो हमने डन भी कर लिया है। अब हम इसको सेव करेंगे एंड इसको लेके चलेंगे लाइटरूम ऐप में, क्योंकि इसको रिटच करके हमें और भी रियलिस्टिक बनाना है। तो अभी हम इसको फिलहाल सेव कर लेते हैं एंड इसको लेके चलते हैं लाइटरूम ऐप में। तो लाइटरूम ऐप में हमने फोटो को ऐड कर लिया, तो अब जाएंगे उस लाइट वाले ऑप्शन में, हम इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे, हाईलाइट जो है इसको इंक्रीज़ करेंगे, शेडो जो है इसको भी इंक्रीज़ करेंगे, एंड जो वाइट है इसको भी इंक्रीज़ करेंगे, एंड जो कलर्स ब्लैक है इसको भी इंक्रीज़ कर देंगे। फिर कलर्स में जाएंगे हम, वाइब्रेशन बढ़ा देंगे एंड टेम्परेचर थोड़ा कम कर देंगे। फिर जाएंगे मिक्स टूल में, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करेंगे, ल्यूमिनस थोड़ा बढ़ा देंगे, फिर येलो रेड कलर लेंगे इसका ह्यू माइनस सैचुरेशन प्लस, फिर डार्क ब्लू लेंगे इसका सैचुरेशन माइनस करेंगे एंड थोड़ा सा ल्यूमिनस। फिर उसके बाद हम इसको कर देंगे डन। फिर इसका जाएंगे हम इस वाले टूल में, फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करेंगे, बिगिनर डाल देंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, फिर यहाँ से इस वाले टूल में जाएंगे, शार्पनेस इंक्रीज़ करेंगे, नॉइज़ रिडक्शन बढ़ा देंगे, कलर नॉइज़ रिडक्शन भी बढ़ा देंगे। तो फाइनली हमारी जो फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो एक लाइक जरूर करना और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी चले मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।